गाजरों के चोर को, गाजरों के चोर को जूती की सजा ही मिलती है ना कि गाजर चुरा ली, तो बेचारों ने गाजर ही तो चुराई यार, इन्हें फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे। बच्चे हैं सारे नाबालिग, जेल भेजो, कल को मेरे घर पर भी चल सकता है बुलडोजर, मैं बोल रहा हूँ मेरे घर पर भी चल सकता है, ये नहीं है मैं और हम लोग डरने वाले नहीं है, कल को चलाना आज चलाना कल चला दे, हम डरने वाले नहीं और ना डरूंगा कभी जिंदगी के अंदर। तो जुम्मे की नमाज के बाद मचे बवाल के मामले में हुई कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं सपा नेता इमरान मसूद। मसूद साहब को ये सब गाजर चोरी जितना ही लगता है, कहते हैं कि आरोपी बच्चे हैं और गाजर चोरी की सजा जूती होती है, फांसी नहीं। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, पहले भी मैंने कहा कि अगर आपने खता की है, छोटी खता है तो सजा छोटी हो, बड़ी खता है तो सजा बड़ी हो। गाजरों के चोर को, गाजरों के चोर को जूती की सजा ही मिलती है ना कि गाजर चुरा ली, तो बेचारों ने गाजर ही तो चुराई यार, इन्हें फांसी थोड़ी ना चढ़ा दोगे। बच्चे हैं सारे नाबालिग। कार्रवाई जो है NSA की है, जो संगीन धाराओं में मुकदमे हुए इनके अंदर कहीं गोली नहीं चली कि 307 हो, कहीं किसी के चोट नहीं लगी कि 307 हो, कोई लूट नहीं हुई, कोई लूट नहीं हुई तो आपने लूट हो, तो इन तमाम चीज़ों को, तथ्यों को, और BM कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इन सब चीज़ों को देख करके वो करेंगे। कुछ उम्मीदें उनसे और कुछ हम काम करेंगे, उनकी उम्मीदों को प्रशासन की खरा उतरे तो निश्चित रूप से शहर का अमन बचा रहेगा। सहारनपुर में हुए बवाल के बाद जिन धाराओं में आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है उसे लेकर वो SSP से मिलने पहुंचे तो बाहर आकर कह दिया कि NSA जैसी कार्रवाई बेवजह है और बुलडोजर को लेकर भी भड़के। इमरान मसूद बोले कि हमारे यहाँ भी कभी भी चल सकता है बुलडोजर, लेकिन वो डरेंगे नहीं। बहुत सारी चीजों को बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो बुलडोजर चल रहा है, ये जो प्रदेश के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये पूरे न्याय सिस्टम को दूषित करने का काम कर रही है, ध्वस्त कर रही है। आप पूरे सिस्टम को, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रहे हो। आपने प्रयागराज में मकान जमीन दोष कर दिया, चलो यहाँ तो छोटा सा छज्जा ही गिराया आपने, यहाँ तो छज्जा ही गिरा है छोटा सा उसका, लेकिन आपने वहां तो पूरा मकान जमीन दोष कर दिया जावेद पंप का। मतलब बोलने के अधिकार के ऊपर पाबंदी, हमें बोलने की आजादी भी नहीं होगी। आप हेट स्पीच देखी गई तो जेल भेजिए, आप हेट स्पीच है तो आप जेल भेजिए, आप जेल भेजो, हेट स्पीच है आपके पास। ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, CRPC IPC किस चीज के लिए, इसी चीज के लिए है ना। आप जेल भेजो, कल को मेरे घर पर भी चल सकता है बुलडोजर, मैं बोल रहा हूँ मेरे घर पर भी चल सकता है, ये नहीं है मैं और हम लोग डरने वाले नहीं है, कल को चलाना आज चलाना कल चला दे, हम डरने वाले नहीं और ना डरूंगा कभी जिंदगी के अंदर। वहीं पहले कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव और फिर अगले जुम्मे प्रयागराज, सहारनपुर समेत कई जिलों में हुई पत्थरबाजी को लेकर भी इमरान बोले कि आखिर ये सब क्यों, सुनिए। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारियों को हमें भी अपना ओढ़ना पड़ेगा। हम चाहे उलेमा हो चाहे पॉलिटिकल लोग हो, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हमें इस बात का सख्ती के साथ आज हम जाकर के बात भी करेंगे कि जुमा की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किसी भी सूरत में जायज नहीं है। अगर हमें कोई प्रदर्शन करना है तो उसका डेट रखे, टाइम रखे, प्रदर्शन करें, लेकिन मस्जिद से निकल करके प्रदर्शन होगा ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है। और लोग जुमा को, अब सोशल मीडिया पे आज चल रहा है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और पत्थरवार, ये क्या ड्रामा देश के अंदर शुरू हो गया। अगर कोई दूसरा इस तरह के बात बोल रहा है तो उसको बोलने का मौका कौन लोग दे रहे हैं। हमें इस बात को बहुत सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है तो नमाज का मतलब सिर्फ नमाज है और नमाज के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इमरान मसूद कहते हैं कि यूं मस्जिदों को बदनाम करना ठीक नहीं। बहरहाल अभी फिर से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब आने वाले जुम्मे पर भी नमाज के बाद ऐसे ही उपद्रव की प्लानिंग है, तो वहीं सरकार प्रशासन भी अलर्ट है। पिछले शुक्रवार हुई घटना को लेकर 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, UP तक।